नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25, 26 और 27 मार्च की आपकी राशि की महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अष्टमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके करें। तो आए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में। घरों की स्थिति कैसे होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्तर होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन तीन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 25 मार्च की बात करें तो दोस्तों इस दिन शुक्रवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन मूल नाम का नक्षत्र रहेगा। वहीं दोस्तों दिन योग की बात करें तो दोस्तों वरियान नाम का शुभ योग और परिग नाम का शुभ योग इस दिन रहने वाले हैं। राहु कल के समय की बात करें तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह के 11:02 से लेकर दोपहर के 12:33 तक। दोस्तों ध्यान रहे, आप राहु कल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। और दोस्तों चंद्रमा दिन धनु राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों अगले दिन की बात करें तो शनिवार का दिन होगा, नौमी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन पुरुषाढ़ा नाम का नक्षत्र रहेगा। साथ ही दोस्तों इस दिन परिग नाम के शुभ योग के उपरांत शिव नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। और दोस्तों राहु कल के समय दिन सुबह के 9:30 से लेकर सुबह के 11:01 तक रहेगा। और दोस्तों चंद्रमा दिन धनु राशि के उपरांत मकर राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों आखिरी दिन की बात करें 27 मार्च की तो दोस्तों रविवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी और दोस्तों उत्तराषाढ़ा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। शिव नाम के योग के उपरांत ही दोस्तों इस दिन शुरुआत सिद्धि नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु कल के समय शाम के 5:05 से लेकर शाम के 6:36 रहेगा। और दोस्तों चंद्रमा दिन भी मकर राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं तीन दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यह समय आपको काफी हद तक हर प्रकार की मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान सकारात्मक बदलाव के कारण आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा और दोस्तों इसके चलते आप पहले से अधिक अपना मन जो है कार्य में बेहतर प्रदर्शन की ओर लगा पाएंगे। दोस्तों यश में आप अपने सोचे हुए कामों को जल्दी पूरा कर लेंगे। वह दोस्तों यश में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो आपको कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति यश में बन सकती है। किसी बिगड़े हुए काम में बड़ों की सलाह लेना आपके लिए यह समय इन दिनों में उचित होगा। रिश्तेदारों की वजह से कुछ तनाव पैदा हो सकता है। क्रोध पर यश में आप काबू रखें और वाणी पर नियंत्रण रखें। दोस्तों यश में इन दिनों में आपके लिए दिन जो है कई तरह की आशाओं और इच्छाओं से भरा भी हो सकता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ऐन मौके पर उन्हें अपनी कुछ योजनाओं में परिवर्तन करना पड़े। दोस्तों यश में आपको समय के साथ चलना होगा, परिस्थितियों से संतुलन बनाएं। आप यह समय आसानी से चलने वाले मूड में रहेंगे, दिनचर्या जारी रहेगी। दोस्तों इन दिनों में आप चीज़ों को आसानी से हैंडल भी कर पाएंगे और समाधान भी यश में खोज लेंगे। दोस्तों यश में इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो कुल मिलाकर ये जो दिन है आपके लिए बिजनेस में कोई नई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जिससे आपको लाभ होगा। दोस्तों इन दिनों में जो लोग बिजनेस मैन हैं उन्हें यह समय जो है आर्थिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी यश में मिल सकती है। दोस्तों यश में आपकी अगर लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में प्रेम में पड़े जातकों को कार्य से जुड़ी किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है जिसके चलते आप अपने प्रेमी को जरूरी समय दे पाने में पूरी तरह असमर्थ होंगे। हालांकि दोस्तों आपका प्रेमी इस बात को समझेगा भी और आपको पूरी तरह सहयोग भी करेगा। दोस्तों ऐसे समय में प्रेमियों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने रिश्तों को शादी में बदलने के लिए आप यह समय बात कर सकते हैं। ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो यश में आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है। दोस्तों यश में माइग्रेन से पीड़ित लोग विशेष सावधानी रखें। वही दोस्तों यश में खान पान पर भी संयम रखें, अन्यथा उदर विकार होने की संभावना भी बन रही है। दोस्तों यश में आपकी भाग्यशाली रंग की अगर बात करें तो भाग्यशाली रंग रहेगा केसरी और भाग्यशाली अंक रहेगा 1। दोस्तों इन दिनों में किसी निजी या फिर कारकिर्दनी के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का दिन होगा। दोस्तों यश में दोपहर के बाद पारिवारिक सदस्यों के साथ खूब आनंद में समय बीतेगा। आप सुंदर अवसर का लाभ उठाएंगे, ऐसा गणेश जी कहते हैं। वही दोस्तों यश में आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में लोकप्रिय होने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय काम पर आप अधिक मन लगाएं तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने बॉस के साथ जो है वाक्य युद्ध भी कर सकते हैं, यानी बातों के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप इन बातों में यश में बिल्कुल ना पड़ें। यश में आप अपने वाणी पर संयम रखें, कोई भी बात बोलें बहुत ही मधुरता से। दोस्तों यश में टहलकर खुद को तरोताज़ा रखना आपके लिए अच्छा विचार होगा। दोस्तों इन दिनों में आपकी पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो चाहे आप कुंवारे हो या फिर विवाहित, अपने प्रेमी से झगड़े में मत उलझें, वरना आप अपने रिश्तों को खतरे में डाल देंगे। अपने प्रेमी से प्यार से पेश आएं। दोस्तों यश में अपने जान से प्यारे व्यक्ति की हर बात पर आप परवाह करें। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो ये जो दिन है कुछ हद तक सट्टेबाजी के हक में है। दोस्तों यश में अपना पोजिशन केवल शॉर्ट टर्म के लिए बनाएं। सट्टा गतिविधियों में दीर्घकालिक स्थिति बहुत ही लाभप्रद साबित नहीं हो सकती है। गणेश जी का मानना है कि यश में आप अपने लक्ष्य बहुत ही ऊंचे बनाएंगे। दोस्तों इन दिनों में दिन का जो आरंभ है बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि दूसरी छमाही के कारण आपको यश में बड़ों या फिर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बहस करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे अगर आप बहस करेंगे तो आपके मन में बुरे विचार आ सकते हैं। काम से संबंधित मामलों में अपनी ऊर्जा को लगाने के लिए यह एक बहुत अच्छा समय होगा। वहीं दोस्तों यश में आप अपने सकारात्मक रवैये और आत्मविश्वास की वजह से आसपास के लोगों को प्रभावित भी करेंगे। यश में जेवर और एंटिक में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा। आपके जीवन साथी की सेहत आपको चिंता में डाल सकती है। दोस्तों यश में थोड़े बहुत टकराव के बावजूद भी आपके लिए आपका जो प्रेम जीवन है बहुत ही अच्छा रहेगा और आप अपने संगी को खुश रखने में यश में कामयाब रहेंगे। कोई रोचक मैगजीन या फिर उपन्यास को पढ़ के ये जो दिन है आपके लिए अच्छी तरह व्यतीत होगा। आपका जीवन साथी आपको काफ़ी रोमानी मिजाज में रखेगा। आपकी ऊर्जा जो है यश में बेवजह के कामों में जाया हो सकती है, इनका आप ध्यान रखें। जीवन को सही से जीना चाहते हैं तो दोस्तों अपने जीवन के टाइम टेबल के हिसाब को चलाना सीखें। दोस्तों यश में आप 9 वर्षों तक की कन्याओं को भोजन सामग्री बांटने से जो आपका पारिवारिक सुख है वो और भी बहुत अच्छा रहेगा। उनसे आप जो पारिवारिक कष्ट है उनसे आप यश में निजात पा सकते हैं। दोस्तों आज के दिन आपको कौन से महत्वपूर्ण उपाय को करना चाहिए? दोस्तों आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा करें। दोस्तों हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। दोस्तों हनुमान जी की पूजा कार्य में सफलता प्रदान करती है और दोस्तों आपको आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी करेगी। दोस्तों आज के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें।